नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। असरुल्लागंज मुख्यमंत्री से मिलने वाली बड़ी सौगात के रूप में क्षेत्र को जल्द ही 36 करोड़ की लागत से छिपानेर में नर्मदा नदी पर बन रहे पुल का जुलाई के अंत तक लाभ मिलना शुरू होने का अनुमान है। सेतु बनने के बाद हरदा के सफर में न सिर्फ 20 किलोमीटर का अतिरिक्त फेर कम होगा बल्कि ईंधन और समय की भी बचत होगी। निर्माण कंपनी के साइट इंजीनियर पुष्पेंद्र सिंह के अनुसार पुल का 90% कार्य पूर्ण हो चुका है तथा पुल के दोनों साइड अप्रोच रोड का भी 50% कार्य पूर्ण हो चुका है। बारिश से मोहलत मिली तो जुलाई अंत तक पुल से आवागमन शुरू कर देंगे। भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री रघुनाथ सिंह भाटी ने इस क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है कि कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में धनराशि मुहैया न कराने के कारण भी पुल के निर्माण कार्य में देरी हुई है। क्या नाम है आपका? आप यहाँ किस पोजीशन पे? मैं यहाँ का साइड इंजीनियर। थोड़ी तेज बोलना। साइड इंजीनियर। अभी क्या स्थिति है ब्रिज की और इसकी कब निर्माण स्टार्ट करा था? 2013 में। ये 90% कंप्लीट हो चुका है, 10% बाकी है जो 15 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी कितना काम हो चुका है और कितना काम शेष है, जैसे टेक्निकल भाषा में बात करें तो? टोटल 28 स्पान है, टोटल 28 स्पान कंप्लीट हो चुके हैं, 22 स्पान की कर्व रेलिंग हो चुकी है और 6 स्पान बचे हैं जिसका एक हफ्ते के अंदर काम पूरा हो जाएगा। 30 दिन पर सिर्फ अप्रोच रोड बचेगी, वो भी हम पीवी की वजह से काम रुका हुआ है क्योंकि पोल शिफ्ट नहीं हो पाए, इसलिए अप्रोच रोड का काम आप नहीं कर पाए। अप्रोच रोड का कितना, लगभग कितना प्रतिशत काम हो चुका है? अप्रोच रोड का हरदा साइड में 75% हो चुका है और इधर सीहोर साइड में 50% हो चुका है काम। ये अपन कब तक एक अनुमानित, कब तक अपन इसको, आप कब तक कंप्लीट कर देंगे? 15 जुलाई तक लगभग ये कंप्लीट हो जाएगा। 15 जुलाई का लाभ पब्लिक को मिलने लगेगा 15 जुलाई की। बाकी जैसे सुरक्षा की दृष्टि से वॉल जो साइड में रेलिंग वगैरह ये सारी चीज़ें कंप्लीट है? हाँ कंप्लीट। 15 जुलाई तक? हाँ 15 जुलाई तक पूरी कंप्लीट। जो छिपानेर का ब्रिज है इसकी घोषणा कब हुई थी और कब तक जो निर्माण हो रहा है? 2013 में मध्य प्रदेश के जननायक माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने इसकी छिपानेर में घोषणा की थी और 2013 में इसका भूमि पूजन टिमरनी क्षेत्र में हुआ था और 2014 में इसका काम प्रारंभ हो गया था, मगर इसके बाद में सिंहस्थ आने के कारण 2 साल हमारे को उसमें डिले हो गया और डिले के बाद में उसका काम पुनः प्रारंभ हुआ और इसी बीच में सरकार का परिवर्तन भी हुआ 18 महीने का, वो भी हमारे को पैसा नहीं मिला ठेकेदार को, उसके कारण भी इसमें डिले हुआ। मगर मैं आपके माध्यम से कंपनी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और मध्य प्रदेश के जननायक माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब को, हरदा और टिमरनी क्षेत्र के दोनों हमारे विधायक माननीय मंत्री जी कमल पटेल जी और संजय शाह जी को भी बधाई देता हूँ कि वो लगातार इसके लिए प्रयासरत रहे और उसका ही नतीजा है कि ये पुल अभी मैंने जुलाई और अगस्त को जनता को समर्पित हो जाएगा, क्योंकि अभी बारिश जो थी ये इस बार 1 महीने पहले आ गई है। पिछली बार जो आई थी वो 15 जुलाई और 17 जुलाई के बीच में आई थी, इस बार ये 15 जून को ही आ गई है तो इसके कारण भी डिले हुआ है। मगर ये इस क्षेत्र को बहुत बड़ी सौगात है, लगभग 20 से 25 किलोमीटर का हमारा फेर बचेगा। यहाँ से छिपानेर से हरदा जाने में हमको 25 से 30 मिनट लगेंगे और अगर घूम के जाते हैं तो हमको 1.25 घंटा लगता है और इसलिए ये जनता को बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि छिपानेर पूरे नसरुल्लागंज क्षेत्र को, हरदा और टिमरनी क्षेत्र को, और ये सीधा हमको बैतूल जो हमारा 59 जो NH है इंदौर बैतूल नागपुर, जब लोग उधर से घूम के जाते हैं और ये सीधे यहाँ से भोपाल भी जा सकते हैं, सीहोर भी जा सकते हैं और इंदौर भी जा सकते हैं, उनका भी सीधा, क्योंकि वो सीधे टिमरनी से यहाँ आ जाएंगे, तो इसलिए ये बहुत बड़ी सौगात है। मैं आपके माध्यम से इस क्षेत्र की जनता को, मध्य प्रदेश के जननायक माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब को, हमारे सांसद माननीय रमाकांत भार्गव जी को और हमारे हरदा क्षेत्र के और हमारे कृषि मंत्री आदरणीय कमल पटेल जी को, संजय साहा जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उनके अथक प्रयासों से ये बहुत बड़ी सौगात इस क्षेत्र को मिलने जा रही है। खबर समय जगत के लिए नसरुल्लागंज से हेमंत वैष्णव की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।